तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूँ। तो यहाँ से आपको लॉगिन करके अब दिखा देता हूँ, क्योंकि लॉगिन फिर से अच्छे तरह से कंडक्ट हो रही है। बीच में एरर आ रही थी, आप लोग के द्वारा बताया जा रहा था कि सर 502 गेटवे लिख के एरर आ रहा है, तो लेकिन दोस्तों अब नहीं, अब सभी लोग अपना सेकंड काउंसलिंग के थ्रू फिर से लॉगिन करके कॉलेज अलॉटमेंट हुआ वो देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी बता रहे थे कि फिर से हो सके तो वेबसाइट को मेंटेनेंस में डाल दिया गया है, उसके बाद जो लोग लॉगिन करेंगे तो हो सके तो कॉलेज चेंज कर दिया जाएगा, या हो सके तो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ है वो कॉलेज को फिर से हटा दिया जाएगा। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको बताने आ चुका हूँ, तो आपके सामने मैं फिर से लाइव लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। तो आप ऐसे जो लोग लॉगिन नहीं किए हैं जाकर लॉगिन कर लीजिएगा। तो आना है सिंपल से यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है और देन रजिस्टर टू लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं लॉगिन किया हूँ तो ये रहा फाइनली जो फर्स्ट सा पेज ओपन हो चुकी है। यहाँ पर किसी तरह का जो लिख के आ रहा था 502 गेटवे वो नहीं आ रहा है, किसी तरह का एरर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी का फिर से ओपन वेबसाइट होने लगी है। अब बात रहा है कि चलिए यहाँ से देख लेता हूँ कि सीट अलॉटमेंट हुआ था जब मैं पहले देखा था वही कॉलेज है कि कॉलेज चेंज कर दिया गया है या कॉलेज को हटा दिया गया है। चलिए मैं इसे क्लिक करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो फाइनली ओपन कर चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो कॉलेज का जो नाम है बिल्कुल VS कॉलेज था, पहले मैं आपको पहले बताता हूँ जो कॉलेज का नाम था VS इनको दिया गया था पहली बार। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पर दोस्तों देखते हैं ये रहा VS ग्रुप ऑफ कॉलेज, यानी कि कॉलेज का नाम बिल्कुल वही है, चेंज नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका वेबसाइट है वो किसी कारण थोड़ा एरर हो गई थी, उसमें थोड़ी गड़बड़ी आ गई थी कुछ टाइम के लिए, 3-4 घंटे के लिए, 5-6 घंटे के लिए। अब है जो आप अपने वेबसाइट के थ्रू आप सारा चीज को लॉगिन करके अपने अनुसार कॉलेज को अलॉटमेंट जो हुआ है या नहीं हुआ आप दे सकते हैं। तो जाइए सबसे पहले आप जाके अलॉटमेंट कॉलेज को नाम को देख लीजिए लॉगिन करके। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो फिर वीडियो को लाइक मारना, अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करना ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले।